हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं घर के सामान से पानी के दिए। तो उसके लिए हमें सिंपल पानी और थोड़ा सा तेल और जो भी कांच के खाली बर्तन या बाउल सेट कलरफुल ऐसे ले लेना है और पानी फिल कर देना है। उसके बाद हम उनको कलरफुल बनाने के लिए वाटर कलर लेंगे और सारे कलर एक एक में दो दो बाउल में हम मिक्स कर देंगे। उसके बाद हमने लेनी है रुई की बत्तियाँ और उनको थोड़े से तेल में या घी में डुबो के रख देना है। और उसके बाद हमने कोई भी एक ट्रांसपेरेंट मोटा लिफाफा या पॉलीथीन लेके उसको काट के छोटे छोटे पीसेस कर लेने हैं। तो मैं भी आपको दिखाऊंगी। पहले आप थोड़ा सा सभी कटोरियों में सरसों का तेल या रिफाइंड डाल लें, आधा आधा चम्मच के करीब। मेरे एक हाथ में कैमरा है तो मैं थोड़ा सा क्लियर नहीं दिखा पा रही हूँ आपको, कटिंग करके दिखा रही हूँ पेपर की। उसके बाद कटिंग किए हुए सभी जो भी पीसीज हैं उसमें आपने अगरबत्ती से बिल्कुल छोटा छोटा छेद कर लेना है, ज़्यादा बड़ा छेद नहीं करना है। और उसमें रुई की बत्ती को आपने एडजस्ट कर देना है छेद में और उसके बाद उसको आपने पानी में डाल देना है। दूसरा तरीका है, आप कोई भी बॉटल की ढक्कन लेके उसमें भी आप रुई की बत्ती और तेल डालकर ऐसे आप जगा सकते हैं। चलिए, तो ये मैंने आपको थोड़ी डेकोरेशन किए हुए दिए दिखाए हैं। एक तो मैंने सीढ़ियों के पास नीचे ज़मीन पर रखे हैं और दूसरा आप किसी टेबल के कॉर्नर में भी सजा सकते हैं, डेकोरेट कर सकते हैं। जैसे ये मैंने टेबल पर रखे हैं, ये भी बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास कुछ एक्स्ट्रा सामान, बीड्स वगैरह बचा हुआ कुछ डेकोरेशन के लिए पड़ा हो स्पार्कल वाला, तो वो भी इसमें आप डाल सकते हैं। ये मेरा मंदिर है और मंदिर के एक साइड में एक टेबल पड़ा है और मैं आपको दिखा रही हूँ ये कितने अच्छे सुंदर लग रहे हैं। तो प्लीज़ आप घर पे ट्राई करें, बिल्कुल सस्ते हैं। बाज़ार से तो इस तरह से आप डेकोरेटेड दिए वो काफ़ी महंगे मिलते हैं। तो अगर आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।